गया है, पांच गजब हो गया है। तो आज भारी गजब हो गया साहजी, आज भारी जी खड़ा सर है पहले फोन चस्पाल है, सैनिकों से है पैगाम आया यहाँ, बन गया हम सबों का पुकार है। भैया विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह अपनी पूरी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ में आक्रमण कर दिया है। हाँ भैया, मतलब विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह अपनी सारी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई कर दिया है। हाँ भैया, बड़े भैया है हमारी अकल, कल ही राजा बना आज मुसीबत पड़ी, सुन समाचार मैं हो रहा ही हमारे सर पे ताज रखा गया, और आज वो विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई कर दिया है। हाँ भैया, इस वक्त हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या ना करें। या, ऐसा है कि हमें लगता है कि सेना पदावर सिंह इस वक्त वो सीमा पे नहीं है, और इसीलिए वो मौके का फायदा उठाना चाहता है। भैया, माँ ने अमर सिंह को 3 दिन की छुट्टी दी है, और अमर सिंह इस वक्त अपने बंगले पर है, तत्काल उसे बुलाकर सीमा सरहद भेजिए और दुश्मन से मुंहतोड़ जवाब दे, अन्यथा दुश्मन मौके का फायदा उठा लेगा। भैया आप ठीक कहते हैं, किस वक्त अमर सिंह अपने बंगले पर होगा। हाँ भैया, और सिपाहियों को भेजकर अमर सिंह को हमारे समक्ष बुलाया जाए। जो क्या सिपाही जाओ अमर सिंह के बंगले पर और उसे तत्काल लेकर राजदरबार में हाजिर करो। दरबार में उदासी और खामोशी, बात क्या है महाराज बतलाइए, बात महाराज बतलाइए।
ऐसी आई मुसीबत है इस घड़ी। बोलिए बोलिए कुछ नपत बोलिए, कैसी चिंता की ऐसी लकीरें पड़ी। बोलिए बोलिए कुछ नपत बोलिए, कैसी चिंता की ऐसी उदासी और खामोशी का कारण जानना चाहता हूं। अमर सिंह, आप जानना चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर यह उदासी है और हम चिंतित होकर राजदरबार में क्यों बैठे हैं? हाँ, पर उसने मेरे और चढ़ाई किया, हम सबों का बना वो काल है। अमर सिंह विजयगढ़ का जमींदार जसपाल सिंह आज अपनी सारी फौज लेकर हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई कर दिया है, बस यही हमारी उदासी का कारण है। महाराज, आप जसपाल सिंह से खौफ खा गए और इसीलिए आप उदास हो गए? हाँ अमर सिंह, आप घबराए नहीं। महाराज, मैं वही अमर सिंह हूं, जब सर पर ताज पहना सकता हूं तो रक्षा और हिफाजत भी कर सकता हूं। ऐसे चिरकुटों से डरने की कोई जरूरत नहीं। तो दिल में चिंता ना अपने करे साहबी, दिल में रचना अनोखी बनाऊंगा मैं। फौज सारी फंसे उसकी उस पीहू में, डाल कर हट करी उसको जाऊंगा मैं। फौज सारी फंसे उसकी डाल कर हट करी उसको लाऊंगा मैं। महाराज, अगर आप हुक्म दें तो जसपाल सिंह का नाम निशान उसी जगह मिटा दो। नहीं अमर सिंह, उसे सीमा सरहद पे समाप्त नहीं करना। जसपाल सिंह को गिरफ्तार करके उसे हमारे समक्ष लेकर आना, उसे वहां जान से नहीं मारना। महाराज, जब यह बात है तो मैं उसे जिंदा गिरफ्तार करके आपकी समक्ष पेश करूंगा। और जसपाल सिंह ही नहीं, अगर कोई दुश्मन
कोई परिंदा हीरा कर लिया शस्त्र और अपने पंख को फड़फड़ाने की हिमाकत की, तो पंख फड़फड़ाने से पहले उसके पंखों को काट कर शाबाश मेरे बहादुर, मुझे तुम्हारी बाजुओं की ताकत पर बहुत बड़ा नाज है। इसी वक्त अपनी सारी फौज लेकर जाइए सीमा सरहद पे और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दीजिए और जसपाल सिंह को गिरफ्तार करके और घसीटते हुए हमारे समक्ष लेकर आपका बड़े भैया। हाँ भैया, हमारा बहादुर गया है दुश्मन से टकराने के लिए। क्यों नहीं भैया, और जब तक वापस नहीं आ जाते हैं और हम उनके आने का इंतजार करते हैं। चलिए आइए हमारे साथ। सिपाही हाय चल, सिपाही ये साला अमर सिंह जा रहा है जसवाल सिंह से टकराने के लिए। क्या समता है जसवाल सिंह को, ये गया और दबोच लेगा, ये वही साला बेमौत मारा जाएगा। जा तो रहा है लेकिन ये जिंदा वापस नहीं आएगा। कितना फड़फड़ाए ये हिले तुहरे लागी पक्का तुम साले कुत्ते। सिपाही तुम सत्य कहते हो कि ये अपने पंख को जितना ही फड़फड़ाना चाहता है फड़फड़ा ले, लेकिन एक दिन मैं वैसा बाज हूँ कि इसको अपने चंगुल में दबोच कर निकाल लूंगा। कि वक्त कायदे जा रहे हैं कि देखो कि ये जसपाल सिंह से टकराने के लिए जा रहा है, ये साला उसे मिटाता है या खुद मिट जाता है। लेकिन तुम भी जाओगे ना, तैयारी बनी है तो जाएगा तो पर्वत। ये तो पक्का है तुम जाओगे, लेकिन सिपाही जाना तुम, लेकिन होशियारी से काम लेना है। तुम्हें होशियारी से काम लेना है कि अपने सिपाहियों को मरवा देना, लेकिन जसपाल सिंह के सिपाहियों पर तुम वार नहीं करोगे। अपने कहीं जो पूरा गांव मर जाए ना बोला, सेनापत मर जाए ना बोला, महाराज मर जाए ना बोला, तू मर जाओ साला। मुझे मारने का तुला है, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा रे? तुमका बचा ले, सारी दुनिया मर जाए, मर जाए कि कोई कम नहीं, कम नहीं है। लेकिन जसपाल सिंह के आदमी पर तुम वार नहीं करोगे, नहीं याद रखना। और जसपाल सिंह के आदमी पर वार किया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसे मैं चल रहा हूं और जाओ सीमा सरहद पे, होशियारी से काम मेरा है। जी बाबू साहब, हम लोग सीमा पर पहुंच चुके हैं जी, लेकिन सेनापति अमर सिंह यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा। आओ हम लोग चलते हैं दक्षिण सीमा की तरफ और चलकर पता लगाते हैं, वो जहाँ कहीं भी मिलता है उस सरामजादे का नामो निशान मिटा दो उसी जगह। आओ अमर साहब। हेलो, ये आ गए दिनेश कुमार। तो भाचा अगर जान प्यारी तुझे, भाचा प्यारी तुझे, हाथ मल मल के वरना तू पछताएगा। जब कलचा में छा है अमर सिंह के, एक टुकड़ा न लेकर के जा पाएगा। टुकड़ा न लेकर के आ पाएगा।
अपनी ताकत पे बहुत बड़ा नाज है। तुम पीछे क्यों रहते हो? पीछे ना रहता, ये पीछे ही रहता है। तो अपनी ताकत पे तुझको बड़ा नाज है, इसलिए तू उगलता जहर जा रहा। सिपाही इसे कैद कर लो, अभी मौत सर पे है इसके, ये मर ना रहा। है तो कैद मुझको करे, जो पिनाए मेरे हाथ में हथकड़ी, चीर डालूंगा सीने पर चढ़कर, अभी भूल जाएगी तेरी सभी। तूने क्या सोचा कि हीरा गड़रिया सब के नर सब कायर हैं, जो इंसान कुत्ते की तरह दो बार पीठ दिखाकर भागा हो, वो दीवारा हिमाकत दिखाने आया है। अमर सिंह, वक्त का हर सै गुलाम होता है। तो बहुत खबरदार, अमर सिंह चुबा रोक ले, बेजक कलमा कह कर मेरी शान में मार देगे दुदम, जो मुल्के यदम लुढ़कता जमी पर न चल जाएगा। शिवाली मारो, अरे अमर सिंह, अमर सिंह देखे मऊान, तो तुम इसे भेज रहे हो हमारे सिपाहियों का मुकालबा करने के लिए। ये साला चिरकुट हमारे सिपाहियों का एक झटका नहीं रोक पाएगा। सिपाही ये बताओ, ये बात तो हमें मालूम था कि तुम चिरकुट हो, इसे कैसे मालूम पड़ गया? इसका मतलब आपके नजर में हम चिरकुट हैं? मैं नहीं, इसे मैं जानता था, लेकिन इसे कैसे मालूम हुआ कि तुम चिरकुट हो? ना जाना तो बता दियो। अमर सिंह इतना ही नहीं, इसके साले के पूरे खानदान को मैं अच्छी तरह से जानता हूं, और इसकी पैदाइश की बात अगर तुम सुनोगे तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। इसकी माँ जब अपने मायके से आई है अपने ससुराल, तो इसको दहेज के रूप में अपने पेट में लेकर आई है, और इसकी मां ने इसे झाड़ियों में जन्म दिया है। ये साला हमारे सिपाहियों का क्या मुकालबा करेगा? अफसोस, ये बताओ, अब ये राज छुपा था, इस राज को केवल मैं जानता, तेरी मां इस बात को मुझसे बताया था, तो इसे कैसे मालूम हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ तेरी माँ का रिलेशन इसके साथ रहा हो? ये बताओ, यहाँ हमका लड़ाई करावे लाओ कि हमारी इज्जत बनवावे लाओ? तो तुम ये बताओ, ये बात इसे मालूम कैसे पड़ा? हम कहे तुम्हें कैसे जाने का, तुम निहायत रहे हो। मारो, चोर मुर्दे की औलाद की टिहरी के भतीजे, चौगड़े के अंडे छिपकली मगरमच्छ के भतीजे। अबे चिलंडू मच्छर बरसाती मेंढक, आ जा मैदान में, तू लड़ने आया है कि मरने आया है? अपने महताई कैदियों को जाके चार छह लौंडा आउट पैदा करे। अबे ओए, मेरी माँ लड़ने नहीं आई है, लड़ने के लिए मैं आया हूँ। तुरे अम्मा से हम लड़ा है तब तुम पैदा भयो। चला जा मैदान में, ज्यादा बातें नहीं, जाके पूछ लो अबे लड़ाई भवा है तो साबित भी रहा है। चल मैदान।
मौत फरफरान हो। घबराओ नहीं, हमार तुम्हार तय है। क्यों अपने आप को बड़ा ताकतवर समझ रहा है? मौत तेरे सर पे नाच रही है कालिया। ओए गब्बर, ये हाथ मुझे दे दे। कौवा नहीं होगा? कौवा नहीं रहा हूँ। मनई दिन मकौ रात मकौवा दिए, दिन मकौवा रहे। मनई सोए पकौवा दे, जागत कौवा रहे। मेहरारू हरारू है कि नहीं? मेहरारू से नहीं मतलब। तुम्हार मेहरारू राज हो जाए, तुम्हें गांव के लौंडे के राज हो जाए। तुमका मार दो तो है गांव के लौंडे भौजी भौजी के गोगा नाश्ता करी है। अबे तुम मुझसे निपट, मेहरारू से बाद में देखा जाएगा। तुमसे अभी निपटूंगा, सुबह तुम्हारी मेहरारू से निपटूंगा। हाँ सुबह इसी तरफ से चलेंगे पारी होके। गुल्ला का ये कलेवास करा चले जा। क्या है चिल्ला रहा है? झेले का जूझने का झेल गई का वा कहा था? हमारे दो सिपाही को मार के बहुत बलवान गिनते हो ना? अब मौत तुहार रहा है, तुम्हारे खोपड़ी पर मौत नाच रही है। अब तो तुम्हारी मौत है। क्या है? क्योंकि तेरी मुंडी काटेंगे। क्या बोला घोड़ी चूतिया? तेरी मुंडी काट कर और ये राम हरक के मौसिक ला भेज देंगे। अब बहन तो बाहर आइए, हवा तेरी लीक हो रही। क्या बोल रहा? तेरी मुंडी काटेंगे। मुंडी ये क्या बोल रहा है? क्या समझ रहा है तू? बोल मुंडी। ए घोड़ी चूतिया, लड़ाई ऊपर से हो नीचे से न हो। मैंने बोला तेरी मुंडी काट कर राम हरक के मौसी के ला भेज देंगे। क्या बोल रहा? क्या काटेगा? मुंडी काटेंगे और क्या बोल रहा? मुंडी मुंडी, ये साला मुंडी बोल रहा। हवा लीक हो रही, हम कुछ और समझ रहे हैं। क्या समझ रहा है तुम? मुंडी काटेगा। मुंडी काटेंगे। आइए पूरी नहीं कर पाओगे, पक्का है। आलमपुरी सिपाही आइए, कबाड़ी के औलाद आज तुम्हारी खुरी बंद होगी। यार कुछ करियो यार, तुम तनख्वाह ले थो यार। अगर तुम खुदे जुटे पड़े हो एका जुटो एका, तुम जब थक गए हो तो इनके भरे का हम काफी हैं। मैं तुम थक गए होगा? नहीं यार, अब तुम आयो, तनख्वाह तो तुम ले रहे हो ना। हाँ तो कुछ ताकत दिखाओ। मुंह दिखाएगा अब का है? लड़ जाओ यार, मर जाओ। मतलब उसको मार जाओ, ये मर जाओ, जंगे मैदान है। मार डाल यार। हाँ मार डाल शब्बास। जब चढ़ा किंग गुस्सा उतार दे दिया तो क्या होएगा? बखौरा पर नठुआ का करो, नहीं मेहरारू का याद आवा। तो मेहरारू का याद आओ तो नेरन तो है, चले जाओ। जाय रुक जा यार, हम तो मनौते रहन कह दियो चले जाओ। चलो गुस्सा शांत होएगा। चढ़ी चढ़ी अभी एक थप्पड़ खोपड़ी मारो तुरंत। आज तुम्हारी मौत है। आओ
ये तरह बहुआ का है भारत? लड़ाई हर धर्म से होती है। नहीं, लड़ाई सामने सामने तो होई, बहुआ नहीं। हाँ, सामने सामने बहुआ मारी है साले कहूँ सुवारी जगह हम लाग जाए टिटली सो जाए। लड़ाई होती है। नहीं, मारो वह तरह की लागे के न चाहिए। आइए। हाँ हेलो, इसी के साथ साथ ये आ गए दिनेश कुमार जो कि गौतवन के पूर्वक रहने वाले हैं। ये सेनापति यानी हमारे कंपनी मालिक के काम पर खुश होकर 20 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं। मरण खातिर यहाँ भेटबो भाई। अच्छा, हम जाएंगे इनकी वो मर जाए, वो अब मरने के लिए तू तैयार हो जाए। कौआ रहे होगा, अंधे लगले फौज माता हुए। अंधे तो तू यहाँ क्यों आया? तुम्हारे मौत का पैगाम लेकर। एक बात जवान जान लियो। क्या जान लिए? ये गांव दुनिया देख लियो। हाँ, अगर तुम्हारी बहन वहीन हो कहूँ तो वो देख लियो। वो तो तुम्हारी मौसी है। आज के बाद तुम दुनिया देखा ही ना पाई हो, क्योंकि तुम्हारी दुनिया से आबो दाना उठगा और मरने के लिए तैयार। आइए बेटा। आधा गांव साफ कर जाओ। क्यों रे नालाए, रण में हथियार फेंकना ये करता है? हथियार नहीं, हथियार इनका अपन पकड़ा हुआ है। अबे तूने हमारे सिपाहियों को मारकर अपने हक में अच्छा नहीं किया। सबसे पहले अमर सिंह को इस दुनिया से मिटाऊंगा, उसके बाद साले मैं तुझे। मारने का बहुत जने प्लान बनाए। अच्छा, लेकिन तुम कुछ बनाए बिगाड़ नहीं पावे। और साहब का अगर आदेश देने तुमका हम खुदे चबाएं। मर गए मिटाने वाले जगपाल सिंह, तो मुझे क्या मिटाएगा? ये तो वक्त बताएगा अमर सिंह। वक्त वक्त मुझसे है, मैं वक्त से नहीं हूँ। और दिन में तारे मत देखो, जसपाल सिंह याद रखो, अभी बार ना झेला मेरा। अब ये झेले नहीं, अब इनका झेला दियो। साले बार ना झेला मेरा, और करारा जाएगा आज इसी बॉर्डर पर बेमौत मारा। सेल घबराते नहीं, सेल घबराते नहीं, देखकर मैदान को और हाथ से रोकते हैं आते हुए तूफान को। कीर्तन की आवाज। क्या कीर्तन की आवाज? गीदड़ ही सुनेगा। यही साला गीदड़ है। नहीं नहीं, ये डायलॉग है। तुम गीतर नहीं हो, गीतर की आवाज गीतर ही सुनेगा। और सुनेगा शेर तो फिर जीवित ना छोड़ेगा। समंदर में बनाओ का, समंदर में बनाओ का चल चला शैतान हूं, और गर्द कर दू वो सफीना मौत का पैगाम। कटे छटे की चुलबुले क्यों इतनी ऐठ दिखाता है? नहीं जानता मेरा स्वभाव, बेसुरी रागनी खाता है। अमर सिंह सुराही के ढक्कन को, सुराही के ढक्कन को जरा खोल कर तो देख, और इस शेर के बच्चे को जरा छेड़ कर तो देख। अरे सर भरोसे की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पाजवे का दिल है। We'll be right back.
चुपचाप खड़े हो जाओ वरना रास्ता भूल जाओ। पहन ले हथकड़ी अगर जिंदगी चाहता है, वरना सोने तूने हमारे पीछे से वार करके अच्छा नहीं किया। तुझे कोई नहीं पाएगा। अगर सोने में बच गया, अगर मैं दुनिया में जिंदा बच गया तो तेरे खानदान में सारे कोई चिराग चलाने वाला नहीं छोड़ना। बचा न पावे नहीं चबा जाए हमें परिवार। तुम फिकर क्यों करते हो? अभी मैं जिंदा हूँ, नस्ल तैयार करूंगा। घबराओ नहीं, तुम गए तो दूसरा नस्ल आएगा। जिंदा हूँ, डरो नहीं। अरे जब खेती न रही तो पैदा कहाँ हो? घबराओ नहीं, वो सब इंतजाम करना मेरा काम है। तुम इसके खानदान को नहीं मिटा सकते हो। सारी दुनिया को छोड़ करके सबसे पहले मैं इसकी बीवी को देखूंगा। इसकी बीवी को एक दिन जबरदस्ती उठा करके मैं अपने साथ ले जाऊंगा। बीवी का काम मर्द का काम बीवी की रक्षा करना, तुम अपनी बीवी की रक्षा स्वयं करो, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कहाँ रक्षा कर दो, 24 घंटे तो तुम्हारे साथ रहे थे। ये साल हत्ता की इतनी बड़ी धमकी काम क्या देखते हो? मार मारूंगा कि तुम किसी लायक नहीं रहोगे, हमारे मेहराऊ घर का ध्यान नहीं दे पाओगे। या तो 100 रुपया तय हो जाए। मिली नहीं। वही नशे पर मारा है चबा खोल। हमारे खानदान की तरफ नजर उठाएगा साले, ये तो वक्त बताएगा। शिवाई घुरा थे चबाई खाई। महाराज का हुक्म, इसे जिंदा नहीं इसी जगह गोली मार देता। ले चलो इसे। महाराज तुम्हारा दुख दर्द सब नहीं सह सकते, आज तुम्हारी जिंदगी रेंगा होगी। चलो महाराज के सामने। चल मुझे ले चल, कोई नहीं बचा पाए। लेकिन महाराज जब ने कह करके हमें मौत, जिस वक्त तू हल्ले के किले को पार करेगा और हीरागढ़ पहुंचेगा, वक्त अमर सिंह छठी का दूध याद आएगा। हल्ले के किले को पार करने के लिए किसी में वो ताकत नहीं है कि जसपाल सिंह को रोक ले। अभी तक शिवा सरह से कोई सुख समाचार नहीं आया है कि शिवा पे क्या हुआ क्या नहीं। हाँ बड़े भैया, हम यही बैठकर सोच रहे थे कि अभी तक शिवा सरह से कोई समाचार नहीं मिला गए। दुख मुझे इस बात का है कि हमारी फौज से जसपाल सिंह की फौज काफी बड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि अमर सिंह उसकी फौज के आगे मात खा जाए। हाँ भैया। लेकिन बड़े भैया थोड़ी देर तक इंतजार करेंगे, अगर वहां का कोई समाचार नहीं मिलता है तो युद्ध करने के लिए हम स्वयं जाएंगे। हाँ भैया, हम लोग थोड़ी देर तक इंतजार करते हैं, उसके बाद सीमा सरहद पे हम लोग खुद चलेंगे।
शब्द सिखा। बॉर्डर पर जसपाल सिंह गिरफ्तार किया गया, इजाजत हो तो आपके समक्ष पेश करूं। सिपाही लेकर यहां आओ। काफी गोला बारूद खत्म करने के बाद ये हाथ लड़ा है। शाबाश मेरे बहादुर जसपाल सिंह। जसपाल सिंह, तूने क्या सोचकर हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई किया था कि यहाँ के नए सम्राट हैं और चढ़ाई करके सम्राट को मारकर इस हीरागढ़ पे राज करूंगा, लेकिन तूने ये कभी नहीं सोचा कि ये वही शख्स है जो तुम्हारे समक्ष खड़े हैं। ये वही शख्स है जो कि आज तक किसी भी मुल्क का सम्राट, कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क पर आक्रमण करने की जरूरत नहीं किया, और जिसने गुस्ताखी की है ये शख्स उसे बॉर्डर पे ही धराशायी कर दिया है। तेरे अंदर वो जज्बा, वो हौसला, वो ताकत कहां से आ गई जो कि तूने हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई। जसपाल सिंह, दोबारा अपनी फौज लेकर अपने विजयगढ़ वापस चला गया तो तिबारा तेरे दिल के अंदर वो हौसला, वो ताकत, वो जज्बा कहां से आ गया जो कि तूने हमारे हीरागढ़ पर। अमर सिंह, जब तक ये बतलाता नहीं तब तक इस पर जुर्म। बोलो जसपाल सिंह, तेरे अंदर इतनी बड़ी हिम्मत कहां से पैदा हो गई? ये बता कि तेरे हौसले को किसने अफजाई किया? तेरे अंदर इतनी बड़ी हिम्मत किसने पैदा की? इस वक्त हीरागढ़ का शहंशाह नाहर सिंह है और चढ़ाई करके हुकूमत अपने अंडर में कर लो। ये बता, नहीं याद रख, इतनी गोली तेरे भेजे में डाल दूंगा कि तेरा भेजा रुई के काले की तरह आसमान में उड़ता नजर आएगा। बोल, बोल। सम्राट, अगर तुम जानना चाहते हो कि तिबारा हमने तुम्हारे हीरागढ़ पे क्यों चढ़ाई किया, जिस वक्त सुनोगे तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी कि मैंने तिबारा क्यों चढ़ाई किया और किसके किसके कहने से। ये तुमने क्या कर दिया, उसे जान से क्यों मार दिया? भैया, दुश्मन से बातें करने का वक्त नहीं, दुश्मन को मिटा देना ही बेहतर था, इसे मैंने इसे मिटा दिया है। जौहर सिंह, तुमने दिमाग नहीं लगाया है। दिमाग नहीं भैया, मैंने सही किया है। सही नहीं, तुमने बहुत गलत किया है। काश अगर उसे मार ना देते तो हम उससे जानकारी कर लेते किसके पीछे किसका हाथ था, किसकी बदौलत इसने हमारे हीरागढ़ पर चढ़ाई किया था, हम उस दुश्मन तक आसानी से पहुंच जाते। लेकिन तुमने उसे मारकर इसी जगह पे कहानी ही समाप्त कर दी। ये मेरा दुश्मन था, मैंने इसे मिटा दिया। बहुत खूब जौहर सिंह, बहुत खूब, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छी सियासत है।
इसीलिए आप सहनशाह नहीं बन पाए हैं। यही कमी है जो आप यहां का मंत्री का पद संभाल रहे हैं, सहनशाह नहीं बन पाए, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत, वो जागरूकता नहीं है। अमर सिंह, जो होना था सो हो गया है। हाँ महाराज, अब तो सर्फ निकल गया, लकीर पीटने से क्या लाभ है। हाँ अमर सिंह, जिस तरह जुबान से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती है, उसी तरह इसके प्राण नहीं वापस आ सकते हैं। सिपाहियों को बुलवाकर इसकी लाश को अपने हीरागढ़ राजरियासत से बाहर फेंकवा दीजिए। सिपाही, ये जगतार सिंह की लाश को उठवाओ और हीरागढ़ रियासत के बाहर फेंकवा दो, ताकि इसकी लाश की बदबू हीरागढ़ रियासत के अंदर ना आए। और महाराज, अभी ये फाइल बंद नहीं की जाएगी, अभी इसके बारे में मैं तफ्तीश करूंगा कि इसके अंदर दीवारा, इसके हौसले को किसने अपजाई किया, इसके अंदर इतनी बड़ी हिम्मत किसने पैदा की जो ये हीरागढ़ पर चढ़ाई किया। और भगवान कसम, अगर वो दरिंदा मिल गया तो मैं उसे कुत्ते की भांति मारूंगा। ठीक है अमर सिंह, इस फाइल को अभी हम बंद नहीं करेंगे। आप कोशिश करते रहिए और जानकारी करिए किसके पीछे किसका हाथ था। जिस दिन उस शख्स का पता लग चल जाए, उसे घसीटते हुए हमारे समक्ष लेकर आना। हम अपनी हीरागढ़ रियासत की नजरों के समक्ष उसे कुत्ते की मौत मारेंगे, ताकि कोई हीरागढ़ की तरफ नजर उठाने की जरूरत न करे। महाराज, अपना एक सिपाही मुठभेड़ में शहीद हुआ है और उसके मुआवजे के लिए 2,00,000 रुपए और उसके बीवी बच्चे के लिए गुजर बसर के लिए मदद दी जाए। ठीक है अमर सिंह, आपके कहने के मुताबिक हम 2,00,000 रुपए उसे देंगे और उनके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया जाए और उसकी पत्नी के लिए 15,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएं। बहुत खूब, बहुत खूब। हम नहीं जाना साहब, नहीं, हम मर जाए। तो तुम मरना चाहते हो? अरे इतना रुपया थोड़ा जाना कीजिए, मरी इतना रुपया भी। लेकिन याद रखो, तुम तो इस दुनिया से चले गए होते तो मौज खूब करते। सोच लो, अगर मरना चाहते हो तो 2,00,000 रुपए मिल जाएंगे। जो आंखों के सुख देख रहे हो ना, जिंदा रहो, ये सुख तुम नहीं तुम्हारे बीवी बच्चे देखेंगे। कितनी खुशियां देख रहे हो, क्या मौज मस्ती देख रहे हो, फिर भी इसी में रमे रहो, देख कर आंख का शोभा बनाते रहो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जवाब नहीं कह पहुंचे तो हम कहां कह पाए, जब आप इतने बड़े अधिकारी कहे हो, का करी, मजबूरी है। अमर सिंह महाराज, जाओ आप अपने बंगले पर आराम कीजिए, जब आपकी आवश्यकता होगी तो हम आपको बुलवा लेंगे। आपका हुक्म। बड़े भैया, हाँ भैया, किया तो आपने बहुत ही गलत है, लेकिन चलो जो हुआ सो अच्छा ही हुआ है। जसपाल सिंह इस दुनिया से मिट गया है, अब जब भी कोई अपने हीरागढ़ की तरफ नजर उठाने की कोशिश करेगा तो जसपाल सिंह के हाथ से कोई याद करेगा। अवश्य हमारे, हमका लगा तुम राजा न बन पाई हो। साधे, जब लाख समझाया था तुझे तो साले उसे घसीटते हुए यहां तक ले आया। क्या करी, ओके सारे के सब हवा भारी रही, जैसे ट्यूब साला पंचर होएगा, एक ऊपर एक ताकत थोड़ो रही, सब हवा भरी रही, और एक जितने सिपाही रहे मारत नहीं रहे, खुदे तलवार माया मर जाते रहे। अच्छा, वो खुद आकर मर जाते थे।
खत्म, साले उन्हें मिटाया है। जसपाल को बुलाओ। अब साले कौन आएगा? तो फिर को बताइए। लेकिन सिपाही सारा सत्यानाश हो गया यार। अब तुम राजा न बन पाए हो, चलो खोलो सब्जी की दुकान। सारा हराम खोर कहेगा। बेचो 5 रुपया किलो आलू। सिपाही मैंने जसपाल सिंह पे बहुत भरोसा रखा था, क्योंकि जसपाल सिंह साला वाकई में बुद्धि निकल गया। लेकिन यार सिपाही अब लगता है हमारा सपना कभी साकार नहीं होगा। चलो कहूँ नरियगम लगाओ जाए काम। चले कुत्ते, राजा न बन पाई हो तुम, खा बनी हो राजा। सिपाही कुछ तरकीब निकाले। हम कहूँ तरकीब, हम जो बताए चलो ईटा गारा करो का कहे। सिपाही जब तक मैं यहाँ का सम्राट नहीं बनूंगा और तब तक मैं चैन से भी नहीं बैठूंगा, इसी सब हमारा मूड टेंशन में है। इस वक्त तो मैं एक बोतल शराब का इंतजाम करूंगा। एक बोतल पैसा शराब शराब थोड़ी थोड़ी लगाते हैं, उसके बाद आगे की बात सोचते हैं। आवरी साहब।